ऑन दिस चैनल। आज के वीडियो में मेरे पास एक कैनन का R6 कैमरा है। मैं अभी कैनन के इमेज स्क्वायर में हूँ, GK वेल, जो बेंगलोर का काफ़ी प्रोमिनेंट एंड नोन स्टोर है। MG रोड पे, ब्रिगेड रोड के काफ़ी पास में है, ये मेट्रो स्टेशन के काफ़ी पास में है। तो कैनन इमेज स्क्वायर से मैंने आई थिंक 12 टू 15 ईयर्स बैक मैंने सबसे पहला अपना कैमरा लिया था, कैनन का 600D, एंड दैट वॉज अ वेरी बेसिक कैमरा। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो कैनन के काफ़ी सारे कैमराज को यूज़ करा है मैंने, तो काफ़ी सारे कैनन के कैमराज हैं यहाँ पे। आई हैव गॉट R6 टू रिव्यू। तो इसका मैं बेसिक फीचर्स और सारा स्पेक्स आपसे शेयर करूँगा, जो इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फीचर्स हैं, और आपको एंड में ये भी बताऊँगा कि किन के लिए, किस तरह की फोटोग्राफी या वीडियो बनाने के लिए इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो R6 एक काफ़ी अच्छा हाइब्रिड कैमरा है। इसमें आपको फोटोग्राफी और वीडियो शूट दोनों करने का ऑप्शंस है, और दोनों में काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो प्रो लेवल बॉडी में अवेलेबल होता है। तो स्टार्टिंग विथ फोटोग्राफी में, दिस हैज़ ए 20 MP कैमरा, CMOS सेंसर विथ वर्ल्ड क्लास ऑटो फोकसिंग सिस्टम। जो इसका डुअल ऑटो फोकसिंग सिस्टम है, दैट इज़ वेल नोन ऑल अक्रॉस इन कैमरा वर्ल्ड। वीडियो के हिसाब से इट हैज़ 4K शूटिंग कैपेबिलिटी इन 24, 30 एज वेल एज 60 फ्रेम विदाउट क्रॉपिंग। बहुत स्लाइट सा क्रॉपिंग है, 1.07 इफ़ यू आर शूटिंग इन 4K 60 फ्रेम, बट दैट इज़ मिनिस्कल। नाउ अगर आप इस लेवल के कैमराज, इस लेवल के प्राइस पॉइंट पे मार्केट में अगर आप देखोगे कैमरा, तो 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड विदाउट क्रॉपिंग डिफ़िकल्ट टू गेट। कैमरा का जो हमारा माउंट है, इसका RF लेंस लगता है इसमें। RF लेंस के अलावा आप इसमें कैनन के जो EF लेंस आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे एक हमें कन्वर्टर लगता है, उसको लगा के आप उसे यूज़ कर सकते हो। नाउ विद दैट लेंस ऑल्सो, इफ़ दैट इज़ इमेज स्टेबलाइज्ड लेंस, तो वो भी आपको इसमें बेनिफिट मिलता है फॉर इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर आप RF लेंस यूज़ कर रहे हो, तो कैमरा बॉडी और RF लेंस IS के साथ में यू गेट अप टू 8 स्टॉप्स ऑफ इमेज स्टेबलाइजेशन। तो लो लाइटिंग सिचुएशन में ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। यहाँ पे शटर स्पीड हमारी लो हो जाती है, कैमरा शेक होने के चांसेस रहते हैं, तो उस सिचुएशन में दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सो बफर का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली कंटिन्यूस शूट में कैमरा को शूट कर सकते हो। 20 FPS जो इलेक्ट्रॉनिक शटर में है, उसमें आप रॉ में, जेपेग में तो मोर देन 1000, रॉ में आप लगभग 120-130 इमेज शूट कर सकते हो। उसके बाद कैमरा विल स्लो डाउन अ बिट। मैकेनिकल शटर अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो 12 FPS अगर आप शूट कर रहे हो अगर, तो मोर देन 200 रॉ इमेज यू कैन शूट इन वन गो, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वी नेवर शूट लाइक दिस, बिकॉज बीच में आप स्टॉप होते हो, फ्रेम करते हो, देन यू स्टार्ट शूटिंग अगेन। सो बफर का मुझे इसमें कुछ इशू लग नहीं रहा है, दैट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इट विल नॉट हैपन। फाइल फॉर्मेट फोटोग्राफी में आपको इसमें रॉ मिलता है, CRAW मिलता है, देन यू गेट JPEG और HEF फाइल्स भी मिलते हैं। CRAW का एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो रॉ फाइल एक्चुअली साइज़ बहुत बड़ा होता है, एंड दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग। बट अगर आपके पास कार्ड्स का कंस्ट्रेंट है, या फिर स्टोरेज का कंस्ट्रेंट है, यू आर आउटसाइड ट्रैवलिंग समवेयर जहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हो, उस सिचुएशन में CRAW में हम शूट कर सकते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू रॉ फाइल, बट इट हैज़ अ वेरी लेस स्टोरेज रिक्वायरमेंट कम्पेयर टू रॉ फाइल। ऑलमोस्ट आप 40-50% लेस स्टोरेज यूज़ करते हो जब आप CRAW यूज़ कर रहे हो। सो शटर स्पीड की कैपेबिलिटीज में आपको बताऊँ, तो इसमें मैनुअल मोड या फिर अपर्चर प्रायोरिटी या शटर प्रायोरिटी में आपको 30 सेकेंड तक, आप एज लो एज 30 सेकेंड तक आप शटर को ओपन करके रख सकते हो, एंड एज हाई एज 1/8000 ऑफ ए सेकेंड यू कैन गो। सो एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स फोटोग्राफी यू कैन डू 1/8000 स्पीड इज़ वेरी हाई स्पीड। एंड जो स्लो स्पीड है 30 सेकेंड है इन दिस ऑल दिस मोड्स, बट आपके पास एक डेडिकेटेड बल्ब मोड भी है। अगर आपको कुछ स्टार ट्रेल या लाइटनिंग की पिक्चर निकालनी है, जहाँ पे आपको शटर को ओपन करके रखना है मोर देन 30 सेकेंड, दैट इज़ डेडिकेटेड हमारे पास मोड है इसमें, बल्ब मोड, उसमें आप वो शूट कर सकते हैं। पिक्चर स्टाइल्स अवेलेबल हैं आपको कस्टमाइज़ करने के लिए। यहाँ पे ऑटो है, आपके पास लैंडस्केप है एंड पोर्ट्रेट है एंड ऑल दोज थिंग्स यू कैन सेलेक्ट एंड कस्टमाइज। अगर आप JPEG शूट कर रहे हो, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, बिकॉज
जेपेग में जब आपने एक डिफाइन करा होता है पिक्चर स्टाइल, तो पोस्ट प्रोसेसिंग में उसको चेंज करना या उसको मॉडिफाई करना या उसको करेक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर आप रॉ में शूट करते हो तो इवन इफ़ यू एनी यूज़ एनी काइंड ऑफ पिक्चर स्टाइल, आप बाद में उसमें काम कर सकते हो। सेम इज़ फॉर वाइट बैलेंस, यू गेट ऑल काइंड ऑफ वाइट बैलेंस सेटिंग, देर आर डिफाइंड वाइट, डे लाइट है, फ्लोरोसेंट है एंड अदर थिंग्स, और आपके पास कस्टम वाइट बैलेंस भी मिलता है जहाँ पे आप एक्चुअली डायल इन करके आप अपना केल्विन वैल्यू सेट कर सकते हो। इफ़ यू आर शूटिंग इन रॉ, अगेन दिस इज़ समथिंग विच इज़ हेल्प आइटम, आपको कैमरा सॉफ्टवेयर कोई चेंज नहीं करता आपके फाइल पे, आपका जो फाइल है वो अवेलेबल होता है, बाद में आप वाइट बैलेंस को करेक्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर आप जेपेग में शूट कर रहे हो तो यू हैव टू बी अगेन वेरी केयरफुल, बिकॉज एक बार अगर जेपेग में आपने शूट किया है और कोई वाइट बैलेंस आपने सेलेक्ट करा हुआ है तो कैमरा का सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग करता है और जो प्रोसेस्ड फाइल होता है उसको स्टोर करता है। तो कमिंग टू वीडियो फॉर्मेट, आपको 25 फ्रेम पर सेकेंड, 30 फ्रेम पर सेकेंड, 60 फ्रेम पर सेकेंड बोथ इन 4K एज वेल एच डी मिलता है। आपको जो स्लो मोशन, आप 60 फ्रेम पर सेकेंड को भी काफ़ी स्लो डाउन कर सकते हो, और मोस्ट ऑफ द बी रोल जो शूट होते हैं वो 60 फ्रेम पर सेकेंड पे शूट करके उसको थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। दैट इज़ वाई दिस कैमरा इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ 4K 60 FPS कैपेबिलिटी, जो कि फुल फ्रेम, ऑलमोस्ट फुल फ्रेम में आपको शूट करता है। Even most of the latest camera in this range, you get a crop factor when you shoot in 4K at 60 FPS. You get 4:2:2 10-bit in this camera, which is amazing because C-Log3 के साथ अगर आप 4:2:2 10-bit में आप शूट करते हो तो आप उसको कलर ग्रेड कर सकते हो, यू कैन ऐड LUT, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग, एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक रेंज होता है। येस, वन कंस्टेंट इज़ ऑब्वियसली देयर दैट इस कैमरा में वीडियो फॉर्मेट्स में एक रिकॉर्डिंग टाइम का लिमिट है, विच इज़ 29 मिनट समथिंग, अप्रॉक्स 30 मिनट्स, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वी हैव टू मैनेज। अगर हमारी शूटिंग स्टाइल इस टाइप की है दैट हम छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं बाद में उसको, या छोटे छोटे शॉर्ट्स फिल्म बनाते हैं और लॉन्ग फॉर्मेट फिल्म्स के बीच में काफ़ी सारे ऐसे क्लिप्स को यूज़ करते हैं, दिस इज़ गोइंग टू वर्क वेरी वेल। सो ऑन वन साइड वी हैव ऑल द पोर्ट्स, माइक है हमारे पास, एक्सटर्नल माइक आप अटैच कर सकते हो, देन आप शटर रिलीज बटन अटैच कर सकते हो, यू कैन अटैच हेडफोन्स टू एक्चुअली यू नो सी कि किस तरह का, और लिसन किस तरह का साउंड रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे पास एक माइक्रो HDMI पोर्ट मिलता है साइड में, प्लस एक USB-C टाइप केबल मिलता है जिससे आप कैमरा को कनेक्ट करके वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। ऑन द राइट साइड हमारे पास एक कंपार्टमेंट है जिसमें हमें कार्ड्स का स्लॉट मिलता है, डुअल कार्ड स्लॉट है, UHS-II, UHS-I, SD कार्ड, ऑल दोज कार्ड्स यू कैन यूज़। बैक ऑफ द कैमरा हमारे पास बैटरी का कंपार्टमेंट है, ओपन करने पे दिस इज़ द बैटरी। बैटरी में हमें LPE69 का बैटरी है, सो अप्रॉक्स आप इसमें 340-350 शूट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक EVF में, और अगर आप LCD से शूट कर रहे हो तो मोर देन 500 इमेज यू कैन शूट। टॉप में हमारे पास एक मैनुअल डायल का बटन है जिसमें सारे मोड्स हैं, MAV-TV, प्रोग्राम मोड, ऑटो इंटेलिजेंस, वीडियो एंड 3 कस्टमाइजेबल आपका मोड। यहाँ पे रिकॉर्ड स्विच ऑन स्विच ऑफ का बटन है, फ्रॉम स्ट्रेट हेयर यू कैन रिकॉर्ड। वन ऑफ द गुड पार्ट इज़ दैट आपको स्क्रीन पर भी रिकॉर्ड का बटन मिलता है। अगर आप वीडियो मोड पे हो और किस तरह का व्लॉगिंग कर रहे हो तो यू कैन जस्ट टच द स्क्रीन एंड द रिकॉर्डिंग विल स्टार्ट। यू गेट USB कनेक्शन, ऑब्वियसली ब्लूटूथ है इसमें और वाईफाई है, सो इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट योर कैमरा विद द फोन एंड ऑपरेट फ्रॉम द फोन, स्टार्ट रिकॉर्डिंग और चेंज द अपर्चर, शटर एंड थिंग्स लाइक दैट, वो सारा कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो। सो एडवांस वीडियो शूटर के लिए, अगर आप क्लोजअप शूट कर रहे हो या फिर आप इस तरह की शूट कर रहे हो जहाँ पे आपको मैन्युअली फोकस करना है, तो एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है जब आपने फोकस पता नहीं होता है कि कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें एक फोकस पीकिंग का एक फीचर होता है वो स्विच ऑन करके आप फोकस पीक कर सकते हो, विच मीन्स आपको स्क्रीन पे पता चलेगा कि कौन सा इसमें जो आपका जहाँ पे भी आपने फोकस करा हुआ है वो फोकस है कि नहीं, बिकॉज मैनुअल फोकस में देर इज़ नो रेफरेंस पॉइंट, तो वहाँ पे वो फोकस पीकिंग में आपको दिखाता है कि कौन सा एरिया या कौन सा चीज़ जो है, जो आपके जो भी सब्जेक्ट है वो क्या आपके फोकस में है। अगर आप फोकस शिफ्ट भी कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मैनुअली ऑल्सो, यू विल सी द फोकस शिफ्टिंग इन फोकस पीकिंग, सो दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर फॉर ऑल द वीडियो शूटर्स। कमिंग टू ऑटो फोकस, जो कैनन कैमरा का ऑटो फोकसिंग सिस्टम है दैट इज़ वेल नोन इन द मार्केट, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है। यू गेट आपको ह्यूमन आई और एनिमल आई ट्रैकिंग का फीचर्स इसमें मिलता है, इफ़ यू इनेबल दैट विल वर्क
वेरी वेल। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट लाइव शूट में अब जब शूट कर रहे होते हो तो ऑटो फोकसिंग पॉइंट जो है वो पूरे स्क्रीन को कवर करता है 100% ऑफ द स्क्रीन, विच मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट कॉर्नर में बिल्कुल जा रहा है एंड कमिंग बैक टू द सेंटर अगेन गोइंग टू अनदर कॉर्नर, स्टिल कैमरा विल ट्रैक। अगर ऑटो फोकसिंग पॉइंट या कवरेज 100% से लेस होता है तो सम टाइम अगर सब्जेक्ट इज़ गोइंग ऑन वन कॉर्नर तो कैमरा फिर किसी और चीज़ पे फोकस करता है एंड देन अगेन सब्जेक्ट कम्स बैक इन द स्क्रीन, कैमरा वापस उसको हंट करता है। तो जब आप वीडियो शूट कर रहे होते हो तो दैट गिव्स अ काइंड ऑफ जिटरी इमेज जो वीडियो बनता है हमारा, तो इस कैमरा में दैट इज़ ऑलमोस्ट देयर 100% इज़ कवर्ड। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि इसका जो फोटोग्राफी के फॉर्मेट्स हैं या फिर इसके फीचर्स हैं या वीडियो से रिलेटेड फीचर्स हैं, इसमें काफ़ी सारे प्रो लेवल के फीचर्स हमें मिलते हैं। द ओनली कंस्ट्रेंट विच वी हैव इज़ अबाउट द रिकॉर्डिंग लिमिट। नाउ अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट रिकॉर्डिंग करते हो, इंटरव्यू शूट कर रहे हो एंड यू वॉन्ट आवर्स टू कंटिन्यू, देन प्रॉब्ली 30 मिनट ऑफ लिमिट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। बट अगर आप ऐसे मूवीज़ बना रहे हो, शॉर्ट क्लिप्स बना रहे हो, या फिर इवन इफ़ अगर आप रियल स्टेट या लैंडस्केप शूट कर रहे हो, उसके वीडियोस बना रहे हो और शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स बना के आप बाद में उसको स्टिच करते हो, यू आर गेटिंग ए 4K कैपेबिलिटी एट 60 फ्रेम पर सेकेंड। यू कैन क्रिएट शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स एंड लेटर यू कैन एड इट। पीपल प्रोफेशनली जो मैरिज शूट करते हैं या फिर लॉन्ग फॉर्मेट शूट करते हैं एज अ बैकअप कैमरा, एज अ सेकेंड कैमरा, दिस कैन बी यूज्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैमराज डोंट गिव यू ऑप्शन ऑफ शूटिंग इन 4K एट 60p। And at times if you have to create B-rolls हो गए या short clips हो गए जो आपको create करना होता है, landscape है या फिर you know you want the entire detail in 4K, तो आपका जो wide angle lens है वो use करके आप capture कर सकते हो and then you can stitch into the main video. For photographers it's a great camera because इसमें आपको 20 megapixel मिलता है, बाकी सारे features हैं, you can use your EF lens with all the goodness of the mirrorless camera. That is one of the best thing I would say because जब पूछोगे मेरे पास बहुत सारे lenses हैं EF के जो मैं अगर mirrorless में upgrade कर रहा हूँ या mirrorless camera ले रहा हूँ तो मेरे पास वो एक constraint होता है कि मैं उन lens का क्या करूँगा, तो वो lens जो है जिसमें काफ़ी सारा पैसा invest हुआ है वो मैं इसके साथ use कर सकता हूँ। आप पहली बार ये camera ले रहे हो then also because RF lens available तो है ही, साथ में आपके पास बहुत सारे EF lens भी available है with a converter, आप उसको इस पर use कर सकते हो। So I hope जो भी मैंने features cover किया this is going to help you। अगर आपके पास कोई specific query है या कुछ और जानना चाहते हो आप इसके feature के बारे में तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं। मैं इसका एक detail review भी करूँगा इसके सारे specifications के साथ में और एक detail guide video भी बनाऊँगा that will also come और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट यू कैन सी हाउ टू सेट द कैमरा, हाउ टू यूज़ इट इन द फील्ड, वो सारा कुछ मैं कवर करूंगा। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक कैमरा या किसी लेंस किसी इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको अगर जानना है तो यू फील फ्री टू पुट इट ऑन द कमेंट एंड अगर वो कैमरा मुझे मिला, उस तरह का लेंस मुझे मिला तो मैं रिव्यू करके आपको डेफिनेटली बताने की कोशिश करूँगा। सो सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।